आपको अपलोड कर लेना है जो भी आपने इमेज को रिसाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, सिंपली सेव इन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद से सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ से सबमिट हो चुका है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना काफी ज्यादा आसान हो गया है। आप सिंपली आप अपने फोन की मदद से आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बना सकते हो, जो की काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है। तो वीडियो बना रहिएगा, एक एक स्टेप बताया हूँ कैसे आप अपने फोन की मदद से आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो कैसे अपलोड कर लेना है, कितना केबी का फोटो अपलोड करना है, और साथ में फोटो अगर आपका ज्यादा केबी का हो गया तो कैसे उसे रिड्यूस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को खोल लेना है अपने फोन के अंदर, और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको डालना है RTPS, यहाँ पे डालना है और सर्च कर लेना है, ठीक है। एक एक चीज जो है, एक एक प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को या फिर से इनकम या फिर से आप चाहे तो आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। इसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे RTPS का, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। इसके पास आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहे तो अपने अकाउंट को बनाकर कर सकते हो या फिर CSC के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो आपका आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप चाहते हो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन का, सबसे टॉप पे सिंपली इस पे आपको क्लिक करेंगे। लोक सेवा के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा सामान्य प्रशासन विभाग, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। एक मिलेगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी अगर बनाना है तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बताया है वीडियोस के अंदर, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेक कर सकते हो कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। हमें अभी क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है। जाति पे जैसे दोस्तों आप टाइप करके रखोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा। एक आएगा अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर, ठीक है। तो आपको ब्लॉक लेवल से बनवाना है तो आपको अंचल स्तर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जिला से अगर आपको बनवाना है तो जिला स्तर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल से बनवाना है तो यहाँ पे अनुमंडल स्तर आपको सिलेक्ट करना है। हमें जिला स्तर से बनाना है तो सिंपली जिला स्तर पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद से फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है दोस्तों यहाँ से ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक एक चीज को कैसे फिलअप करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नाम डालेंगे। इसके बाद से आपका एप्लीकेंट का हिंदी में नाम डालना है। यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट का माता का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालेंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे राहुल अगर आप डाल रहे हो और यहाँ पे जैसे स्पेस करोगे, यहाँ पे अगर हिंदी में नाम अगर शो नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, गूगल कीवर्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी का, सिंपली इस पे क्लिक करके, और जैसे आप यहाँ पे राहुल अगर डालोगे तो हिंदी में ऑप्शन दिखा देगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करके फिर आपको स्पेस करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्टार लगा है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ये चीज आपको फिलअप करना पड़ेगा तभी आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद से आपको सिंपली करना क्या है, किसी लेडीज के नाम से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हस्बैंड का नाम, पति का नाम यहाँ पे डालना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि जब भी आप डाउनलोड करें तो आपका अगर रेफरेंस नंबर खो जाता है तो मोबाइल नंबर के जरिए इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिला और अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। आपको सिंपली अपना वार्ड नंबर डालेंगे, है तो नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पे अपना विलेज यहाँ पे डालना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालेंगे, पुलिस स्टेशन जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज फिलअप नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर के जैसा जो है सेम एज अबव, सिंपली यहाँ पे जैसे टिकआउट पे क्लिक करोगे जो भी आप यहाँ पे फिलअप करोगे वो सारा डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा फीच कर लेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट का जो एक फोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर लेना है, तो चूज फोटो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे पिक मीडिया के ऊपर क्लिक कर लेंगे, गैलरी के अंदर आना है और यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर लेना है। इसके बाद पेशा में जो है ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, छात्र है, सरकारी है, निजी सेवा, प्राइवेट बिजनेस में, बिजनेस है, फार्मर हाउस है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो या फिर से अदर है तो अदर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और अदर में यहाँ पे जरूर से आप उसका डिटेल्स डाल दीजिएगा किस टाइप का उनका वर्क है। तो यहाँ पे जैसे प्राइवेट सर्विस में है तो प्राइवेट सर्विस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी जो है किस जाति से आते हैं, जाति यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जाति सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा कास्ट में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बनिया है, यादव है, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगा कास्ट जो भी आप कास्ट में आते हैं। अनुसूचित वन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो इसमें कुछ अलग कास्ट आएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जाति कास्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, उप जाति है तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देना है। सिंपली यहाँ पे नीचे में आएंगे, यहाँ पे अप्लाई का जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ का ऑफिस यहाँ का नाम आ जाएगा, कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद से सिंपली प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। आप अपने डिटेल्स को एक बार जो है दोस्तों यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पे अटैच एनेक्सर जो दिया है ना, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से दस्तावेज जो है यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली आधार कार्ड सब किसी के पास है, आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया से आप अपने आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो जो है दोस्तों यहाँ से
अपलोड कर लेना है। इसके बाद से सेव एनेक्सर का जो ऑप्शन है सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे डालना है इमेज साइज रिड्यूस, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। पहला वाला वेबसाइट को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इमेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कितने एमबी का इमेज है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना परसेंटेज आप कम करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको 50% रख लेना है। इसके बाद से रीसाइज इमेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो योर इमेज रीसाइज हो चुका है, 500 KB का हो चुका है। डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका इमेज डाउनलोड हो गया है। अब सिंपली करना क्या है, फिर से दोबारा आकर यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है जो भी आपने इमेज को रीसाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, सिंपली सेव एनेक्सवर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद से सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ से सबमिट हो चुका है। विद इन 10 डेज के अंदर अंदर जो है दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके बाद से जो भी आपका आवेदन संख्या है इसको आप डालकर और आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ आप अपने मोबाइल से ही कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर से इनकम सर्टिफिकेट या फिर से रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।